आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुरादाबाद के गांव इस्लाम नगर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 7 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। इस गांव की कमान श्रीमती सीमा देवी के हाथों में है। 4 वर्ष में इन्होंने अच्छा विकास कराया है। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुरादाबाद के इस्लाम नगर रामपुरा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान पति से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान पति के पास। प्रधान जी, यहाँ टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल लगभग श्रीमती सीमा देवी जी के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक गाँव में आपने करवाए हैं? हमने टेरेस बिछवाई है और खरंजे भी करवाया है और प्राइमरी स्कूल बिल्कुल ठीक करवाया हमने। नए तरह से टेरेस बिछवाई है, उसमें फर्नीचर भी लगवा दिया उसमें। शौचालय से ODF हो गया गाँव ये पूरी तरह से। हाँ जी, शौचालय से गाँव ग्राम हो गया था। आवास मिले हैं लोगों को? आवास 3 आवास मिले हैं अभी, कुल 3 आवास मिले हैं। जो सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे कि उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मुफ्त में जो लोगों को मिले हैं, क्या आपकी ग्राम पंचायत में सभी को उसका लाभ मिला है? सबको मिला है उसका लाभ। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा था, यहाँ कितने लोगों को मिल पाया? 2000 रुपए हैं जी। जी, ऐसा मान लो जी 80% आदमियों को पैसे आ गए हैं, 20% आदमी रह गए जी। 80% लोगों को लाभ मिला। आयुष्मान कार्ड वगैरह बने हैं यहाँ सबके? सबके तो हमने बने हैं, कुछ कार्ड बने हैं। आपने कूड़ेदान यहाँ पर लगवाए? लगवाए जी। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, ये सब काम लगवाया है? सोलर वगैरह नहीं लगवाई हमने, नहीं लगवाई। स्कूल पर आपने क्या क्या कार्य करवाए? स्कूल पर हमने टेरेस पर लगवाई है, सब फिर की विंडो नए लोहे के लगवाए हैं। और शिक्षा का स्तर कैसा है स्कूल में, आप बीच बीच में जाकर निरीक्षण करते हैं उसका? जी, मैं जाता हूँ, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हमारे स्कूल है। सरकारी बिल्डिंग में आपके ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा क्या बारात घर है? बारात घर नहीं। पंचायत घर? पंचायत घर नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी। शमशान घाट, कब्रिस्तान ये बने हुए हैं? शमशान घाट, शमशान घाट कब्रिस्तान तो है, बने हुए नहीं है, शमशान की नहीं। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हम तो यही मांग रखना चाह रहे हैं, हमारा जो है तो पंचायत भवन बन जाए, पंचायत भवन, बारात भवन के लिए आप चाहेंगे कि गांव में निर्माण हो। इसके अलावा कोई रास्ते अभी आपकी ग्राम पंचायत में कच्चे हैं? रास्ते कच्चे हैं। लगभग कितना मीटर सीसी से पक्के होंगे? पूरा पक्का हो जाएगा गांव? ये हमारे 3 महीने लगते हैं, तो खरंजे तो सब पे लगभग हैं जी। हमारे जो खरंजे को जो क्षतिग्रस्त हो गए ना जी, उनकी मरम्मत करवाना चाह रहे हैं हम दोबारा जी। खरंजों की मरम्मत आप चाहते हैं यहाँ पर? इसके अलावा यहाँ इस ग्राम पंचायत में कितने गरीब पात्र ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? कम से कम ना तो 20 आदमी तो ग्राम इस्लाम नगर में ऐसे निकल जाएंगे। 20 लोग हैं यहाँ, कुछ भाव कतपुर में निकल जाएंगे, ऐसे मकान की व्यवस्था कुल मिलाकर आपके लगभग क्या 30-35? हाँ, 30-35 परिवार ऐसे हैं। 30-35 परिवार है हमारे ग्राम पंचायत जी। और कोई समस्या इसके अलावा आपके ग्राम पंचायत में ऐसी जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से यहाँ ध्यान दे ग्राम पंचायत? ये समस्या है ज्यादातर जो हमारी समस्या पूरी हो जाए। बाकी कोई सांप्रदायिक किसी तरीके का कुछ गांव में दंगा झगड़ा इस तरह का तो कुछ नहीं होता? कोई झगड़ा नहीं होता हमारे, सब शांतिपूर्वक सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। सब समाज के लोग हैं, तो शांति व्यवस्था हमारे गांव बनी है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास उनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण और यहाँ पर शौचालय से भी गाँव ODF हो गया है, लेकिन कुल 3 आवास यहाँ लोगों को मिले हैं। यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो समस्याएं यहाँ अभी भी काफी है, मूलभूत समस्याएं जिनसे लोग यहाँ जूझ रहे हैं, जैसे कि अभी भी लगभग 30-35 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। बारात घर, पंचायत घर को लेकर भी यहाँ प्रधान मांग रखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे प्रमुख समस्या वो कुछ खरंजे यहाँ है जिनकी मरम्मत यहाँ प्रधान करवाना चाहते हैं। अशरफ अली के साथ में नाजरीन टुडे 24 से। मेरा नाम है रितु गुप्ता। किस पत्थर आपने अभी दल में करे? अध्यापिका हूँ इस्लाम नगर से। अच्छा, प्रधान जी द्वारा यहाँ पर क्या क्या कार्य कराया गया? प्रधान जी ने काफ़ी चेंज करवाया है हमारा स्कूल। पहले यहाँ पानी भरता था बरसात में, अब यहाँ पे फर्श बन गया, ऊंचे हो गए हैं, पानी नहीं भरता है, पूरा मैदान पक्का हो गया है, कच्चा बचा नहीं है यहाँ पे। टाइल्स बिछवाई है इन्होंने, सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब टूटे हुए थे, सब इन्होंने अच्छे करवाए, पूरा ध्यान देते हैं विद्यालय के लिए। सब जगह लाइट वाइट का सिस्टम हो गया है, पंखे चलते हैं, लाइट चलती है, काफ़ी चेंज हुआ है। क्या नाम आपका?
मेरा हेमराज सिंह नाम है। हेमराज सिंह जी, ये बताइए, यहाँ प्रधान जी ने जो कार्य कराए हैं, क्या आप कितना सहमत हो आप इससे? यहाँ पे काफ़ी विकास कराया है इस्लाम नगर रामपुरा में। ये भी रास्ता काफ़ी ख़राब था, इन्होंने जब से इनकी प्रधानी आई है जब से इन्होंने काफ़ी विकास कराया है और ऐसे ऐसे रास्ते सही कराए हैं जहाँ की निकलने में बहुत समस्या होती थी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, पुजारी हैं आप यहाँ? हाँ, यहाँ का पुजारी जी। यह स्कूल, ये मंदिर का जो प्रांगण है, जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे टाइल्स भिजवाई गई है प्रधान जी द्वारा। हाँ। कितने आप संतुष्ट हैं यहाँ? मैं इससे, इनसे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ साहब। इन्होंने यह अच्छा मंदिर के लिए अच्छा सहयोग दिया और यह गाँव को भी अच्छा सहयोग दिया है और आगे मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इनसे मुझे सहयोग की पूरी उम्मीद है।